आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक लेक है जिसके अंदर फिश है और लेक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3 है। वो एक कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं और जो लेंस है वो हाफ द डिस्टेंस है जितना कि फिश है वाटर सरफेस से। तो जो इमेज है वो फिश पे ही बनती है, तो हमें फोकल लेंथ पूछा गया है कितने टाइम्स द डेप्थ ऑफ फिश होगा। तो हम ये हो गया हमारा सरफेस ऑफ लेक, ये हो गई हमारी फिश, ये डिस्टेंस हो गई हमारी x, और x by 2 पे हमारा लेंस रखा है। तो जो इमेज बन रहा है वो उसी जगह पे बन रहा है कितने पे, जहां पर फिश है। तो यहां से तो ये एपरेंट डेप्थ हो गया, वो हो गया हमारा x डिवाइडेड बाई म्यू। अब हमें पता है कि ये हो गया x एपरेंट डेप्थ प्लस ये x by 2 भी आएगा ताकि टोटल डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस से हो जाएगा x by म्यू प्लस x by 2। तो ये आ गया 1.25x, और क्योंकि माइनस में, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो 1.25x ये आ गया हमारा u। v की वैल्यू हो गई x by 2 प्लस x, यानी कि 1.5x, ये हो गया नेगेटिव का। तो ये हो गई हमारी x प्लस x by 2 यानी कि 1.5x, ये हो गया v पोजीशन ऑफ इमेज। अब अगर हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 7.5x, ये हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।